नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर से लेकर शामली तक कई बड़े जिलों की खबरों पर और बताएंगे कि कैसे बुलंदशहर में छात्र की हत्या कर शव गंगा में बहाया गया। हमीरपुर में तेज रफ्तार कार नील गाय से टकराई और हुआ बड़ा हादसा। और शामली में अजय पाठक और उनके परिवार के हत्यारे को मिली मौत की सजा। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां छात्र की हत्या कर शव गंगा में बहा दिया गया। छात्र के शव की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अपहरण के बाद मारपीट कर छात्र के शव को गंगा में बहा दिया गया। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव मूड़ी बकापुर से कल दोपहर करण नाम के एक छात्र को स्विफ्ट डिजायर कार में बैठाकर 6 आरोपी ले गए थे। मृतक करण के शव का 24 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं पुलिस ने जांच के बाद अपहरण, हत्या आदि की धाराओं में FIR दर्ज की है। पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये पूरा मामला बुलंदशहर के आहार थाना क्षेत्र के अवंतिका गंगा घाट का बताया जा रहा है। मैं बड़ा पापा हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई थी? ये यहाँ लाए थे उसको गंगा जी पे। हाँ। तो वहाँ से पहले जो है इन्होंने वो लड़का उठाया है। हाँ। चलो सत्संगर पे चल ले। हाँ। फिर वहाँ से इन्होंने गाड़ी करी है। गाड़ी करके लड़के को, और फिर वहाँ से गाड़ी में गिर के ये लाए हैं। उन्होंने यहाँ मारा पीटा है और मार पीट के गंगा में ले गए। वहाँ ले जाके इसे डुबे दिया है। कितने लोग बताए जा रहे हैं? ये 6 लोग हैं। अच्छा, अभी तक सब नहीं मिला? नहीं, अभी तक सब नहीं मिला है। FIR दर्ज कर दी? FIR दर्ज है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर दिल्ली के रोहिणी से है, जहां पर M2K सिनेमा के पास सैमसंग मोबाइल के सर्विस सेंटर में अचानक से आग लग गई। देखते ही देख आग ने पूरे बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल दमकल की 5 गाड़ियां वहां पहुंची और घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य का प्रयास किया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आग फैल चुकी थी। ग्राउंड फ्लोर पर लेंसकार्ट का शोरूम है, फर्स्ट फ्लोर पर सैमसंग का मोबाइल सर्विस सेंटर और थर्ड फ्लोर पर स्पा सेंटर है। आपको बता दें कि इस पूरे शोरूम में भीषण आग लग गई। दिल्ली से सीनियर संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर में तेज रफ्तार एक कार नील गाय से टकरा गई। जोरदार टक्कर से कार अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे जाकर खाई में पलट गई। वहीं कार सवार एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी का एयरबैग खुलने से सभी की जान बच गई। कार सवार महिलाएं, बच्चे और पुरुष गंभीर रूप से घायल जरूर हुए हैं। मध्य प्रदेश का ये परिवार राठ जा रहा था और तभी ये हादसा हो गया। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जो जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत मंडल अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में ग्राम बड़का गांव एवं ग्राम बनौली में महिला मोर्चा की प्रदेश मीडिया प्रभारी निशा चौबे और जिला उपाध्यक्ष सीमा पांडे, साथ ही सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता भाजपा नेता अजय दुबे, वर्तमान विधायक भरत बिंद, रामपुर प्रखंड के लाभार्थियों के साथ संपर्क कर जन समर्थन मांगा। मंडल अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी विकासशील योजनाओं के बारे में बारी बारी से जीविका दीदी एवं समूह से जुड़ी माताओं को महिला मोर्चा प्रदेश मीडिया प्रभारी निशा चौबे, छत्तीसगढ़ और जिला उपाध्यक्ष सीमा पांडे ने सभी महिलाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। मौके पर मंडल महामंत्री राघवेंद्र सिंह, मंडल महामंत्री मनोज गुप्ता, बूथ अध्यक्ष छट्टू शर्मा, अवधेश सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर शामली से है, जो अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक अजय पाठक और उसके परिवार की नृशंस हत्या के आरोपी हिमांशु सैनी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी ठहराए गए हिमांशु पर तकरीबन 2 लाख से ज्यादा रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने विगत 17 मई को हिमांशु सैनी को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं मृतक अजय पाठक के परिजनों ने कठोर सजा सुनाए जाने पर न्यायालय का आभार व्यक्त किया है। शामली से सी न्यूज संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।